कि हमारे देश का तिरंगा लहरा रहा है। बिल्कुल सुबह का वक्त है हवा में, और देखिए ये है कोयला वाले इंजन। तो दोस्तों बड़ी खुशी हुई कि आज मैं इसको देखा, सुनता था पहले मैं दोस्तों, ठीक है। मैं इसको चारों तरफ से आपको दिखा रहा हूँ, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही प्यारे वीडियो बनने वाली है। और दोस्तों मैं पूरे इंडिया का ट्रैवल करूँगा सब। देखिए गाइस कैसे हो, देखिए आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सबको जैसे पता था कि मैं सफ़र करने वाला हूँ 18 मार्च 2023 को, तो गाइस वो मैं सफ़र शुरू कर चुका हूँ। कल ही मैं घर से निकला हूँ 18 मार्च को, आज 19 मार्च मॉर्निंग का वक्त है। तो मैं अभी केपीएल से उतर के मैं राजेंद्र नगर में हूँ, और सुबह का वक्त है, बारिश भी हुई रात को, ठीक है, रात को बारिश भी हुई है। तो मैं सोचा कि छोटा सा क्लिप बना लेता हूँ दोस्तों। ये देखिए मैं पूरा मैं राजेंद्र नगर का व्यू आप सबको दिखा रहा हूँ। मेरे साथ भाई भी खड़े हैं, और मैं अब सब यहाँ प्लेटफॉर्म से बाहर करके मेरा सामान इधर पड़ा हुआ है। अभी मैं ऑटो पकड़ूंगा, फिर यहाँ से मैं पाटलिपुत्रा जाऊँगा दोस्तों। उसके बाद वहाँ से मैं 11:30 बजे सुपरफास्ट पकड़ के मैं मुंबई के लिए रवाना हो जाऊँगा। एंड दोस्तों मैं आप सबको पूरा व्यू मैं अच्छी तरह से दिखाता रहूँगा, पूरे इंडिया का तकरीबन, समझे, मैं आपको बोला कि पूरा इंडिया ट्रैवल करूँगा। तो देखिए अभी मैं आप सबको दिखा रहा हूँ राजेंद्र नगर का खूबसूरत व्यू। तो ठीक है मैं बैक कैमरा से आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत सुबह का वक्त है। तो सुबह में चलो, और दोस्तों यूट्यूबर का काम ही क्या है, वीडियो बनाना, लोगों को दिखाना और मज़े लुटाना दोस्तों। तो आप सब मेरे वीडियो बने रहिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मैं आप सबको दिखा रहा हूँ पूरी व्यू, ठीक है। यहाँ पे पुरानी इंजन भी पड़ी हुई है, जो पहले कोयला वाली इंजन चलती थी, तो मैं उसको भी देखने के लिए मैं बहुत दिन से ये कर रहा था। तो मैं सोचा कि चलो वहाँ पर पड़ी हुई है, तो मैं उसको दिखाने जा रहा हूँ मैं आप सबको, ठीक है। तो गाइस आप सब बने रहिएगा वीडियो में, आप सबको मैं बैक कैमरा से दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मैं जा रहा हूँ उस इंजन की तरफ, मैं देखा नहीं था पहले, इससे पहले कि कोयला वाले इंजन पहले कैसे हुआ करती थी। तो गाइस देखिए मैं फाइनली उस जगह पे आ चुका हूँ, और देखिए हमारे देश का तिरंगा लहरा रहा है। बिल्कुल सुबह का वक्त है हवा में, और देखिए ये है कोयला वाले इंजन। तो दोस्तों बड़ी खुशी हुई कि आज मैं इसको देखा, सुनता था पहले मैं दोस्तों, ठीक है। मैं इसको चारों तरफ से आपको दिखा रहा हूँ, बस आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बहुत ही प्यारे वीडियो बनने वाली है। और दोस्तों मैं पूरे इंडिया का ट्रैवल करूँगा सब। देखिए पहले क्या चक, यार अजीब लग रहा है मुझे, समझ चक्का वगैरह कैसे इनका है। और माशाल्लाह क्या खूबसूरत है यार, ड्राइवर यहाँ बैठा करते थे, कितनी हाइट में है पूरे इंजन, कितने हाइट में, चक्का कितना बड़ा बड़ा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। देखिए फ़ोटो भी लगे हुए हैं पहले के इंजन के, इंजन ही में, ठीक है। तो गाइस उसके बाद मैं आपको पूरे राजेंद्र नगर का स्टेशन के बाहर का पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। ये था हमारा अपना जो है कोयला वाला इंजन, ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत है। दूसरी बात ये कि मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरे राजेंद्र नगर, सुबह का वक्त है दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत मौसम है, और बहुत ही ब्यूटीफुल ये स्टेशन बनाया गया है। मैं अभी इधर से एग्जिट हुआ हूँ, और ये हमारे देश का तिरंगा है दोस्तों, बहुत ही, इसको जब देखता हूँ तो दिल में अजीब फील होता है, बहुत ही खूबसूरत, एकदम अजीब तरह मोटिवेशन होता हूँ दोस्तों देखने के बाद। ये देखिए हमारा, तो दोस्तों गाइज आज के लिए इतना ही है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ दोस्तों।